ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। कोरोना वायरस के बचाव और उसके नियंत्रण के लिए जगदलपुर में जिला प्रशासन ने अब संजय मार्केट के आसपास भारी वाहनों के साथ साथ ही दोपहिया वाहनों और चार पहिया वाहनों के आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब शहरवासियों को साग सब्जी खरीदने के लिए पैदल ही संजय बाजार जाने की अनुमति दी गई है। दरअसल शहर का मुख्य बाजार होने की वजह से आए दिन यहां लोगों की भीड़भाड़ होने की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि बाजार आने वाले चारों दिशाओं से वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाए और अब मुख्य बाजार से लगभग 500 मीटर की दूरी से लोग पैदल या साइकिल में सब्जी लेने आ सकेंगे। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कही है। संभाग के सबसे बड़े संजय मार्केट में प्रवेश करने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोग आकांक्षा होटल के सामने, गांधी मैदान, गुरु नानक द्वार, अनुपमा चौक, जामा मस्जिद रोड की ओर वाहन खड़ी कर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। बता दें कि कल ही बस्तर एक्सप्रेस ने बाजार में अव्यवस्था से संबंधित खबर प्रकाशित की थी, उसके बाद से ही प्रशासन को उक्त फैसला लेना पड़ा। क्षेत्रीय विधायक रेखचंद्र जैन ने भी लोगों से आग्रह किया है कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें और घरों पर रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से निकलें, अनावश्यक भीड़ बढ़ा के नियमों का उल्लंघन ना करें। प्राइम न्यूज 24 के लिए राधा ताम्रकार की रिपोर्ट।